जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। यहां पर जो है बहुत सारे बच्चे लगातार जो है कमेंट करके पूछते हैं कि जो है नॉन साइंस वाले बच्चे हमारे जैसे कॉमर्स के हो गए, आर्ट के हो गए और एजी के बच्चे हो गए, वो किस तरह से जो है फार्मेसी में कोई भी कोर्स हो गया, हमारा डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, ठीक है, इन सभी कोर्स को करके जो है मेडिकल लाइन में अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एंड तक देखना, ठीक है। पर जो है मैं आपको सभी क्वेश्चन के जो है डिटेल में आंसर दूंगा, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो है क्वेश्चन रहता है कि जो है आर्ट वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए या फिर एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो गए, वो सभी जो है क्या फार्मेसी कर सकते हैं। तो आप जो है यहां पर ट्वेल्थ जो है आपने आर्ट्स, कॉमर्स और जो है अदर कोर्स से किया है, तो आप जो है यहां पर फार्मेसी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है केवल जितने भी फार्मेसी वाले कोर्स होते हैं उसमें पीसीबी और पीसीएम के बच्चे जो है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका रहता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहता है, सिर्फ वही जो है फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका तरीका क्या है कि किस तरह से जो है आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे जो है एग्रीकल्चर वाले बच्चे किस तरह से जो है डी फार्मा या बी फार्मा कोई भी कोर्स जो है फार्मेसी वाला कोर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने जो है ट्वेल्थ पास कर लिया है आर्ट और कॉमर्स से, तो आपको जो है फिर से ट्वेल्थ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आप किसी अदर कोर्स को के साथ साथ आप ट्वेल्थ भी कर सकते हैं, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आप ट्वेल्थ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर दोस्तों जो है कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो आपके सिटी के आसपास होते हैं, आपको पता करना है जहाँ पर जो है ट्वेल्थ तक जो है पढ़ाई होती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज का जो है फॉर्म आता है, अभी जो यहाँ पर एडमिशन हो रहा है ट्वेल्थ में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है विद्यालय पे जाना है। विद्यालय पे जाने के बाद आपको जो है एक फॉर्म लेना है, एडमिशन फॉर्म, और फॉर्म लेने के बाद दोस्तों जो है आपको वहाँ पर आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो है अपना एडमिशन कराना है। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपसे जो केवल फीस ले ली जाती है और आपको यहाँ पर जो है क्लास करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। और यहाँ पर वाइवा और प्रैक्टिकल जो होता है उसमें भी जो है आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, केवल आपसे जो है पैसा ले लिया जाता है और एग्ज़ाम में भी जो है पैसे लेकर जो है यहाँ पर काम हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर ट्वेल्थ ईजिली जो है अपना पीसीबी से कर सकते हैं। अब पीसीबी से करने के बाद जो है आप डी फार्मा और बी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का जो है यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो है पीसीएम के रहते हैं तो वो आगे चल के जो है नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो केवल जो है बायोलॉजी से कर सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट से, क्योंकि उनका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रहता है और यहाँ पर वो बायोलॉजी करते हैं तो उनका बायोलॉजी भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बायोलॉजी करके वो जो है आगे नीट की तैयारी कर सकते हैं और वो चाहते हैं नीट की तैयारी करते रहें और यहाँ पर ट्वेल्थ का फॉर्म भर के जो है वो ट्वेल्थ का पेपर देकर बायोलॉजी का जो है वो बायोलॉजी का जो है डिग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका जो है कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।